भैया भय मंत्री जी तो डर काहे का। ऐसा इसलिए कहा हमने क्योंकि हरियाणा में आज की ही तारीख की अगर बात कर ली जाए, कई संगठन हैं, कई महकमे हैं जहां से लोग और कई विभाग हैं जहां से कर्मचारी सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाए जाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऐसे ही कर्मचारियों से मंत्री जी के भाई से बदसलूकी अगर की जाए, ऐसे ही कर्मचारियों से अगर गलत तरीके से मंत्री जी के भाई पेश आए तो क्या कहा जाए? तो अपनी बात रखना चाह रहे मंत्री के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से बात रखना चाहते हैं। 2014 में पक्के करे थे जी, हरियाणा सरकार पक्का करो, कोर्ट में जाओ। फिर जहां पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे और वो तस्वीरें जो है खुद चीख चीख कर सवाल करेंगे कि मंत्री जी के भाई को लाइसेंस मिला है क्या? इस तरह से बदसलूकी करने का क्या ये लोकतंत्र है कि आपको या फिर आपके सगे को कुर्सी मिल गई तो फरियाद लेकर अगर जनता आएगी तो उससे बातचीत करने का सलीका आप भूल जाएंगे? बहस करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। ये बोल सुने आपने, ये कोई गली का गुंडा नहीं है बल्कि प्रदेश के नामी मंत्री जी का भाई है जो पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को जूतों से पिटवाने की बात कर रहे हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। एक बार फिर से दिखाते हैं आपको नेताजी के शिष्टाचारी भाई की अनैतिक करतूत। हरियाणा के कई हिस्सों में लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन तो कहीं गेस्ट टीचर्स की हड़ताल, कहीं आशा वर्कर्स धरने पर, तो कहीं अस्पतालों में कर्मचारियों की मांग को लेकर बंद। हरियाणा की जनता खट्टर सरकार के राज में पूरी तरह से त्रस्त है। ऐसे में फेसबुक पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जो एक बार फिर हरियाणा सरकार पर सवालिया निशान खड़े करता है। इस वायरल वीडियो में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई और बदसलूकी भी किसी और ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार में मंत्री कर्णदेव कंबोज के भाई ने की है। कर्णदेव कंबोज के घर के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के विरोध पर मंत्री जी के भाई आग बबूला हो गए, और वो भी इतना कि सभी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया और मामूली गुंडों जैसी बदतमीजी करने लगे। दरअसल घटना के वक्त मंत्री जी खुद तो घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उनके भाई मोर्चा संभालने पहुंचे, मगर अपना आपा खो बैठे। ये भूल गए कि आम जनता से कैसे बात की जाती है और प्रदर्शन कर रहे पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के साथ अभद्रता के साथ बात की। देखा आपने, ताव दिखाते मंत्री जी के भाई को जो आराम से बात करते करते पशुपालन विभाग कर्मचारियों के ऊपर ही चढ़ बैठे। मंत्री जी के भाई के इस शर्मनाक बोल जिसमें वो सारी हदें पार करते दिख रहे हैं, सबसे पहले फेसबुक पर एक वीडियो के जरिए वायरल हुए थे, जिसके बाद ये वीडियो आग की तरह प्रदेश में फैल गया। पशुपालन विभाग के कर्मचारी गाली देने वाले इस वीडियो में मंत्री जी के भाई उन्हें गालियां देते हुए जूते मारने की बात करते रहे और उन्हें लगातार वहां से जाने के लिए बोलते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो कर्मचारी सड़कों पर हैं, कर्मचारियों की सरकार कितनी सुनती है, कितनी मानती है, मांगे कितनी पूरी की जाती हैं, वो बातें पीछे छूट जाती हैं जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कि मंत्री का भाई इस तरह की बदसलूकी करेगा। ये अधिकार किसने दिया है? क्या ये लोकतंत्र है कि ज्ञापन सौंपने जब लोग जाएं उनके साथ बदसलूकी की जाए, गालियां दी जाए, वो बातें कही जाए जो सीधे तौर पर हम आपको सुनवा नहीं सकते, क्या ये लोकतंत्र है? अधिकार किसने दिए है? साथ ही कर्मचारी वर्ग से भी हमारे साथ प्रवक्ता रखेंगे जिनसे जानने की कोशिशें करेंगे कि कौन कौन से तरीके अपना चुके हैं कि सरकार उनकी बातों को सुने
उनकी मांगे मानी जाएं। सुनीता दुग्गल हैं हमारे साथ चर्चा में, बीजेपी प्रवक्ता आप हैं, रंजिता मेहता कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रविंद्र ढुल हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं, कमला बिजोल हैं हमारे साथ आंगनवाड़ी वर्कर, और साथ ही श्रीपाल भाटी हमारे साथ सीटू से हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। सुनीता जी, आपने वीडियो देखा, तस्वीरें देखी, बोले। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो इनके भाई हैं वो एक ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, और जहाँ तक मुझे पता लगा है कि इन कर्मचारियों ने मंत्री जी को पहले अपना ज्ञापन जो है 2-3 बार सौंप दिया है, और उन्होंने उनको ये विश्वास भी दिला दिया है कि उन्होंने उसको आगे भेज दिया है जी। और ताकि उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जा सके, और फिर भी उसके बाद वो मंत्री जी से बात करने की बजाय और उनके भाई जो हैं वो मुझे बिल्कुल ही ग्रामीण बैकग्राउंड से लग रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा कि वो उनकी किसी तरह से, क्योंकि वो क्या ग्रामीण बैकग्राउंड से होना इसका मतलब ये है कि बदसलूकी की जाएगी? नहीं, बदसलूकी मतलब देखिए, बदसलूकी का परिवेश से आएंगे वो बदसलूकी करते थे। नहीं, बदसलूकी का कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो भी अगर आपने कोई बात करनी है तो सरकार में जो मंत्री हैं आप उनसे, या कि उनके जो भी ऑफिशियल जो उनके स्टाफ हैं आप उनसे आप अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकते हैं। लेकिन परिवार में मुझे लगता है कि परिवार वालों को बीच में इन्वॉल्व करना किसी भी मामले को लेकर, क्योंकि परिवार जो वो सरकार का हिस्सा नहीं है, उनको लेकर बीच में इन्वॉल्व करना, और लेकिन बदसलूकी का कहीं पर किसी को भी किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता कि अगर आप कैसे दिखा अगर आप हैं, अगर वो हिस्सा ही नहीं सरकार का या फिर राजनीति का तो ज्ञापन ही क्यों लेते हैं? लेकिन ये कह रही हूं मैं कि ज्ञापन ऑलरेडी वो दे चुके हैं और ज्ञापन आगे पहुंचाया जा चुका है, फिर भी जो है वहां पर धरना देकर और बार बार जो उनके परिवार के उनको भी बीच में इन्वॉल्व करना कि आप ज्ञापन ले लो, आप ज्ञापन ले लो, मुझे लगता है कि ज्ञापन देने का तरीका होता है और ज्ञापन आप ये तरीका ही गलत था। रंजिता जी, जी जी, अगर धरने किए जाएंगे, ज्ञापन दिए जाने के बाद भी धरने दिए जाएंगे और जो सरकार में मंत्री हैं उनके परिजनों से बातचीत की कोशिशें की जाएंगी तो जवाब ऐसे मिलेंगे? देखिए ज्योति जी, मेरे ख्याल से सुनीता जी ने ये वीडियो को ध्यान से नहीं देखा। आप देखेंगे कि बकायदा पीछे जो एक पुलिस वाला तैनात था वो उनके साथ खड़ा हुआ है और बार बार उनको हटा रहा है कि आप इनसे बहस मत कीजिए, और ग्रामीण लोगों को ना केवल धमकियां देते हैं बल्कि ये कहते हैं कि आप ज्ञापन देने आए हैं, ज्ञापन देके चले जाइए, और अगर आप हमारे साथ यहाँ पर खड़े होकर बहस या बदसलूकी करेंगे तो ना केवल हम आपके टेंट उखाड़ेंगे बल्कि अंदर डालकर आपको जूतियां भी पड़ेंगी। सरेआम ये धमकियां दी जाती हैं तो कहते हैं कि भाई कोतवाल हो तो डर काहे का, तो वही काम ये भाई कर रहे हैं कि अगर मेरा भाई मंत्री है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सरकार कार्रवाई ना कर ये कह रही है कि वो ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं, वो सरकार का हिस्सा नहीं है। जनाब, अगर वो सरकार का हिस्सा, हरियाणा गाँव में बसता है, समझ कर चला जाए कि गाँव के लोगों को कोई कहने की बात करने की तमीज नहीं, बदसलूकी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है ग्रामीण वालों के साथ तो क्या आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की? आप आज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है, तो अधिकार नहीं है, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो क्या आपने एक्शन लिया? तो ये सारे सवाल सुनीता जी को यहाँ पर देने चाहिए कि कंवरपाल गुर्जर जी का भाई अगर शरेआम लोगों को धमकियां देता है तो वो किस तहत के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसका बेहतर जवाब इनको देना चाहिए। देखिए, पहले करणदेव कंबोज के जो भाई है, अगर गंभीरता कम नहीं हो जाती, करणदेव कंबोज के होने से भी गंभीरता कम नहीं हो जाती? ज्योति जी, गंभीरता बिल्कुल कम नहीं हो जाती, लेकिन मैंने खुद मंत्री जी से बात की है और मंत्री जी ने मुझे ये कहा है कि मैंने उनसे कम से कम भी 2-3 बार ज्ञापन लिया है और लेने के बाद वो आगे भी पहुंचा दिया गया है और उनको आश्वस्त किया है कि आपके जो है इसमें कार्रवाई होगी और वो पॉजिटिव होने की दिशा में है। लेकिन फिर भी उनके घर के बाहर जो है धरना देकर परिजनों को परेशान करना, मुझे लगता है कि हमें भी इस चीजों की तरफ भी थोड़ा सा हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि क्या इसकी एक सीमा बना दी जाए, एक बुकलेट जारी कर दे सरकार की, इससे ज्यादा बार अगर आप ज्ञापन देने जाएंगे, अगर परिजनों से मुलाकात की भी कोशिश करेंगे, बातचीत की कोशिश करेंगे तो आपके साथ बदसलूकी की जाएगी। इसकी ज्योति जी, मैं ये कह रही हूँ कि ज्ञापन देने का कोई प्रशासन को ज्ञापन दिया जाता है और प्रशासन को मंत्री जी को ज्ञापन दिया जाता है और दे चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं हुई अभी भी कोशिशें जारी है। घमंड और अति घमंड की अति कहा जा सकता है इसे, सत्ता का अहंकार कहिए आप इसे, किसी भी तरीके से कहिए,
यदि वे किसी मंत्री के परिजन है इसका ये मतलब नहीं है, किसी भी आम व्यक्ति को, ये तो खैर कर्मचारी थे, किसी भी आम व्यक्ति को आप परेशान करेंगे। बिल्कुल, ये इस घमंड में चूर होकर के यदि हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता ये कहते हैं कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, तो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से तो मैं भी आता हूँ, हाँ। ज्योति आप भी आती है, तो हम सब लोग ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से है, इसका ये मतलब नहीं है हमें किसी जी, तो ग्रामीण का मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ है, अनपढ़ है तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि उनको ये अधिकार है कि इस प्रकार की भाषा का किसी के साथ में भी उपयोग करेंगे। और जहां तक बात परिजन की है तो आप ये देखिए कि किस जगह पर ये खड़े हैं। यदि ये करण देव कंबोज जी का घर है तो उसके बाद में वहां से परिजन बाहर आता है या कंबोज जी आते हैं तो उससे बिल्कुल कतई भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये कर्मचारी किसी गलत जगह पर गए हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि सरकार के अंदर जो है, जब सरकार रहती है तो किसी भी इस पार्टी की सरकार रही हो, कर्मचारी हैं चाहे आम व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रदर्शन, धरने, इस प्रकार के लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए। तो यदि ये मांग जायज है तो ये कर्मचारियों की का वहां पर होना नाजायज कैसे हो सकता है? वे सरकार के पास नहीं जाएंगे, अपने विधायक के पास नहीं जाएंगे, चुने हुए प्रतिनिधि के पास नहीं जाएंगे, तो किसके पास में जाएंगे? तो इसका ये मतलब तो जो इनके पास, इनका ना तो सरकार के ऊपर कंट्रोल है, ना ही इनका अपने परिजनों के ऊपर कंट्रोल है कि ये किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देंगे। तो क्या मंत्री जी ने इस बात की, अपने भाई की इस वक्तव्य की निंदा की है? यदि निंदा की है तो वो दिखाई जाए, यदि निंदा नहीं की है इसका मतलब वो डिफेंड कर रहे हैं। कई बार ये लोग पहुंच चुके थे, ज्ञापन दिया जा चुका था, उसके बाद परिजनों को परेशान किया जा रहा था, परिजनों को कोई परेशान नहीं किया गया। मंत्री जी ये जवाब देंगे इस बात पर, सुनिए जी। ज्योति जी देखिए, मैं थोड़ा सा ढुल साहब को, अभी थोड़े दिनों पहले एक और वीडियो आई थी, शायद इनको ध्यान हो, उनके तरफ थोड़ा सा ध्यान इनका केंद्रित करवाना चाहती हूँ। तो जी बिल्कुल स्पष्ट, सबके सामने वो कह रहे थे कि आपको मालूम है मैं कौन हूँ और आप किस तरह से हमारी गाड़ी को रोक सकते हैं, आप किस तरह से हमारी गाड़ी, जबकि अगर अगर वो वहां पर उसको जो है, अगर नॉमिनेट होते वो वहां से टोल पे से निकलने के लिए, है ना, तो उसमें उनको टोल वालों को कोई ऐतराज नहीं होना था। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि उस तरह की बदतमीजी, जिस तरह की जो हमें इससे पहले हमें वीडियो में नजर आई थी, उस तरह की कहीं यहाँ पर है, लेकिन फिर भी जस्टिफाई हो गया। नहीं, कथित तौर पर किसी व्यक्ति ने गलती कर दी तो इनको गुंडई की जो परमिशन मिल गई है, आप उसको क्या, आप उसको क्या, ये गुंडई नहीं है जो यहाँ पर दिखाई जा रही थी, भाग जाइए यहाँ से, कराऊंगा तुम्हारी नौकरी पक्की मैं, ये गुंडई नहीं थी मैम, उसको क्या संज्ञा देंगे, जो वो था उसको क्या संज्ञा देंगे? आपको पता है कि किस प्रकार का, आप उस वीडियो को यहाँ पर ज्योति अभी के अभी आप प्ले कर लीजिए, उस वीडियो के अंदर यदि जो है हमारे नेता ने एक शब्द भी किसी व्यक्ति को गलत बोला हो तो मैं यहाँ पर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आप उसे पे कर, ये नहीं कहा कि तुझे तुम्हारी औकात खत्म हो गई, और यदि कुछ गलत भी कहा होगा तो इनको जस्टिफाई नहीं हो जाती है क्या? मंत्री जी के भाई ने जिस तरह का व्यवहार किया है, जिस तरह से बदसलूकी की गई, क्या उसको जस्टिफाई कर देंगे उन पुराने तस्वीरों को? उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैंने मंत्री जी से बकायदा बात की थी और मंत्री जी ने ये कहा कि हमने कई बार उनसे ज्ञापन लिए और ज्ञापन लेने के बाद हमने आगे भी दे दिया और उनको आश्वस्त किया। क्या और उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने गलत किया है? उन्होंने से पेश नहीं आ सकते ज्योति जी, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि अगर फिर भी मेरे भाई के कहने से किसी की कोई संवेदनाएं अगर किसी तरह से हर्ट होती है तो मैं उसके लिए जो है क्षमा प्रार्थना। आप लोगों के लिए कैसा है श्रीपाल जी? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता की बातों से सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक ज्ञापन देने की बात है, ज्ञापन में दो तरह की मांग होती है, एक तो मंत्री लेवल की मांग होती है, दूसरी मांग होती है फाइनेंस की या मुख्यमंत्री की। तो मान लो 10 मांग लेके गए कर्मचारी, उसमें से 8 मांग ऐसी होती है जो मंत्री के लेवल की है। मंत्री जी आगे भेज कहाँ रहे हैं? 8 मांग तो उन्होंने देनी है हमको, और 8 मांगों पर कोई बात नहीं हो रही, बार बार ये कह रही है कि आगे भेज दिया, आगे किसको भेजते हैं? तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का अगर वाकया होता है तो ये संविधान में लिखा हुआ अधिकार है जिसको हम ले रहे थे और हम पे जूते पड़ रहे हैं। तो बीजेपी का जो घमंड है
और मैं इनकी बात से सहमत हूं जो साथी हमारे कह रहे हैं कि ये घमंड बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्मचारी हमारे भाई हैं और गांव में अनपढ़ या गवार लोग नहीं बसते, इस बात से भी हम सहमत नहीं है। हम सारे के सारे जितने बैठे हैं गांव से आए हैं, हम क्वालिफाई हैं और हमारे तो शहर ही नहीं थे, हमारे तो सारे गए हैं। बिल्कुल भाई, अगर क्वालिफाई ना हो गांव क्वालिफाई है, हम इस बात से सहमत नहीं है। ये बीजेपी ने लाइसेंस दे रखा लोगों को जूते मारने का, लाइसेंस दे रखा और ये कितना गलत है। एक भी मांग नहीं मानी मंत्री जी ने, एक बार बात तो करते, मांग को आगे क्यों भेजते हैं। भारत में एक राष्ट्रपति भी हुए अनपढ़, आपको ये ध्यान होगा, तो केवल उनका पढ़ा लिखा न होना उनको गुंडई का कोई वो नहीं होगा। बातचीत का सलीका नहीं होगा, उनको राजनीतिक अनुभव तो था, इनका कोई राजनीति से लेना देना। तो फिर जूते मारने का अनुभव है, जूते मारने का अनुभव है, ये सामाजिक अनुभव है, सामाजिक अनुभव होना चाहिए, सामाजिक तरीके का अनुभव तो है। अगर उनके कहने से किसी की संवेदनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। वो केवल आपसे कह दिया, आपसे कहने से माफी नहीं मांगी जाती। वो एक मिनट के लिए, मैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बोल रही हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता हूँ मैं, जो बोल रही हूँ इसका मतलब वो है कि बीजेपी पार्टी बोल रही है। आपका क्या मतलब है पार्टी बोल रही है? आप कहेंगे कि नहीं, इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से माफी मांगेंगे, मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि नहीं, प्रधानमंत्री जी से माफी मांगेंगे, मुख्यमंत्री जी से माफी मांगेंगे। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र में मंत्री जी सामने नहीं आएंगे, ये कहाँ लिखा? मंत्री नहीं बोलेंगे, ये कहाँ लिखा है? नहीं तो कहा, क्या मना किया मंत्री जी ने? आपने बात की और उन्होंने कहा कि नहीं मैं बात नहीं करना चाहता, आप बताइए। नहीं, स्टैंड है उनका कि वो माफी मांगेंगे, उनके भाई माफी मांगेंगे, अगर डिफेंड बट रहेगा वो माफी मांगेंगे। सेंटेंस कहा है कि अगर उनकी, उन्होंने वो कह रहे कि मैंने वीडियो देखी नहीं है, मुझे पता लगा है, अगर गुरमीत सिंह भाई की बातों से किसी की संवेदना, ये राजनीति का कौन सा स्तर के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, ये राजनीति का कौन सा स्तर? जी नहीं, नेचुरली ये स्तर ठीक नहीं है, इसीलिए जैसे बीजेपी की प्रवक्ता भी ये बात कह रही है कि मंत्री जी माफी की बात उनसे, उन्होंने इनसे कही है। और नो डाउट आजकल इस तरह का, जिस तरह का मीडिया का एक दबाव रहता है और सभी जगहों पे एक नेटवर्क है अखबारों का, चैनल्स का, तो वो कब तक उससे बचेंगे? उनसे पूछा ही जाएगा ये, और फिर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो और डिफेंस तो इनके पास को है ही नहीं, जैसे अब तक ये बात यही चल रही है कि कोई व्यक्ति अगर अनुचित साधन भी इस्तेमाल कर रहा है किसी धरने प्रदर्शन में, तो भी जो व्यक्ति जिम्मेदारी के पदों पर है, जिनके परिवार के लोग जिम्मेदारी के पदों पर हैं, उनको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होती है बातचीत करने में। अगर जो लोग पावर में हैं या जो उनके मान लीजिए भाई मंत्री हैं और वो खुद उन्होंने अगर कोई बात कहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक रिफ्लेक्शन आता है और इसी वजह से ये चर्चा आज हो रही है। तो इसलिए उनको तो अतिरिक्त सावधानी और संयम और शालीनता बरतनी ही चाहिए। जहां तक राजनीति के स्तर की बात है, तो निश्चित ही वो चाहे कोई भी दल हो, बीच बीच में भी इसीलिए कही क्योंकि वो मंत्री जी के भाई थे। और कई बार शिकायतें होती है, कई बार नाजायज भी हो सकती है, लेकिन नाजायज का मतलब बातचीत की शालीनता यदि हम छोड़ दें और हम धमकाने दें, धमकाने लगे, और अगर वाकई में कोई बहुत तंग कर रहे थे, तो उसका भी तरीका है कानूनन, वो उन लोगों के, अगर मान लीजिए ये कहा जाता है जैसे अभी ये कह रहे थे कि उनके परिवार वालों को सपोज मान लीजिए निकलने में दिक्कत है या कोई और चीज़, तो उसके लिए कानूनी रास्ते, सरकार तो है, तो उसको प्रशासन है, वो उसको अगर इस तरह से कोई डिसरप्ट कर रहा था या कोई मिसबिहेवियर क्राउड की तरफ से हो रहा था, तो उसके लिए उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जा सकता था या इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। लेकिन अगर आप पब्लिकली आकर उनको धमकाएंगे और इस तरह से फिर वीडियो बनेंगे, तो फिर सरकार की फजीहत होनी ही, और वही हो रही है। और इसी वजह से ये लोग भी ठीक कर रहे हैं कि उसे डिफेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिफेंस इसका है ही नहीं कोई, कि आप ये कह दें कि गाँव के लोग हैं, या आप कह दें कि जी वो कोई उग्रवादी थे, या आप कुछ भी कह दें, कोई भी था, अगर कोई शरारती तत्व उसमें थे तो उससे प्रशासन को निपटना चाहिए था। अगर वो लोग आम लोग थे या कर्मचारी थे, तो उनसे फिर बातचीत जो है वो सलीके के साथ और शालीनता के साथ तरीका कम से कम होता। कमला जी, आप लोग भी सड़कों पर हैं काफी दिन से, कल से भीख मांगना भी शुरू करेंगे, एक और नया तरीका अपनाया जाएगा, सरकार का क्या स्टैंड है? आप लोग विधायकों से भी मिले, मंत्रियों से भी मुलाकात की गई? जी, हम ईसाई CDS में कम से कम 43 साल हो गए हमारे को काम करते हुए। सरकार ने कर्मचारी का दर्जा तो दूर, हमारे को मजदूर भी नहीं माना आज तक। हमारे को सरकार ने सिर्फ 8,000 और 3,000 रुपये आज तक इस उस पोजीशन में हमारे को परिवार का गुजारा करने के लिए हमारे को ये दिया गया, जबकि सरकार ने
8,000 रुपये एक परिवार को पालने के लिए इन्होंने तय किया हुआ, जो जिसमें जी दो बड़े बुजुर्ग, दो बच्चे और दो मियां बीबी, छह परिवार में आदमी है, तो उनका गुजारा 18,000 से कम नहीं हो पाता, लेकिन सरकार हमारे को क्या दे रही है, 8,000 रुपये। 43 साल से हम काम कर रहे हैं, ना तो हमारे को ये कर्मचारी बनाते, ना हमारा ये 18,000 जो ये हमारा लागू किया हुआ है ये हमारे को देते। इसलिए इन्होंने सरकार ने विभाग में कुछ ऐसी मांगे हैं जो सिर्फ इन्हीं ने लागू किए हैं और फाइलों में दर्ज हैं, उनको भी नहीं लागू किया जा रहा। वो क्या है, शहरी का किराया इन्होंने 1,500 रुपये और गांव का 750 रुपये ये तय किया हुआ, जबकि गांव में 200 रुपये किराया देती है सरकार हमारी को। 200 रुपये में कहां से ले मकान उस आंगनवाड़ी के लिए। दूसरा जी, हरियाणा में प्रमोशन की जो 50% ये सरकार ने तय किया हुआ है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर है तो उसको सुपरवाइजर बनाने के लिए 50% प्रमोशन दी हुई, जबकि आज तक एक भी नहीं लगाई। तो कई मांगे ऐसी हैं जो कागजों में मान ली गई है। हाँ, कागजों में ये 18,000 भी इन्होंने तय किया। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 24,000 तय किया हुआ, जबकि ये भी लागू नहीं किया। आप बताइए, अब बार बार ज्ञापन अगर ना सौंपे जाए, बार बार लोग जो हैं, कर्मचारी जो हैं, मंत्रियों के घर ना पहुंचे, विधायकों के घर ना पहुंचे, तो क्या करें? आएंगे आपके पास, आएंगे बीजेपी का पक्ष जाने। ज्योति जी, ऐसा है कि पिछले साल भी सोनीपत में कविता जैन जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोनीपत में कार्यक्रम किया था, आपको ध्यान हो, और उसमें जो है सरकार की तरफ से जो है मानदेय इनका बढ़ाया गया था। तो देखिए, ये 43 इयर्स की बात कर रहे हैं, 43 साल में ये बताएं कि अभी तक जो है जो कुछ भी किया वो हमारी सरकार ही बल्कि इनकी कुछ ना कुछ फायदे के लिए काम कर रही है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो सेंटर, जो केंद्र है, केंद्र का 60% हिस्सा है और जो सरकार, हरियाणा सरकार जो है उसका 40% है। तो इसमें सरकार फिर भी कोशिश में है कि वो केंद्र सरकार को इस बात के लिए लिखे और केंद्र सरकार का जो 60% हिस्सा है उसके हिसाब से इनका मानदेय और बढ़ाया जाए। सरकार ने कि मानदेय की बात को छोड़कर बाकी जितनी भी इनकी मांगे हैं उन सबको पूरा करने की सरकार की तरफ से इनको आश्वासन दिया गया है। और आज भी मुझे लगता है कि आज भी जो है कैबिनेट के बाद भी ये लोग सड़कों पर है, कल से भीख मांगना शुरू करेंगे। कई तरीके अपनाए गए, कई जरिए अपनाए गए हैं इन लोगों की तरफ से कि सरकार सुने, मुख्यमंत्री जी जो है वो इनके डेलीगेशन के साथ मिलकर और फिर बातचीत को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सरकार की तरफ से कभी भी ये जो है इस पेशकश को रोका नहीं जाता या कभी भी किसी के लिए मना नहीं किया जाता कि आप आकर जो है बातचीत के जरिए किसी बात का समाधान निकालने की कोशिश करें। इसमें मेरा पक्ष ये है, ये जो बेंजी ने बताया 8,000 तो वर्कर को मिलता, जो हेल्पर है, जो सारा बच्चे लाती है, खाना बनाती है, उसको मिलते हैं 4,000 रुपये। और जो इन्होंने बताया 2,800 कैलोरी ऊर्जा के लिए, और ये मानदेय फिक्स होते हैं, वो 18,000 का सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है 24,000, और हमारा 4,000 रुपये लेने वाला 8,000, यहाँ तक की जो मिड डे मील है वो 2,500 रुपये में एक महीने खाना बनाती है, 5-5 महीने तनख्वाह होगी, एक महीने से इनकी सैलरी नहीं मिली आंगनबाड़ी की। और जहां तक उसकी बात है कि इन्होंने पानीपत में मुख्यमंत्री जी ने 640 रुपये घोषित किए थे सोनीपत में, और सारी वहां से बहन जी निकले आई, अकेले मुख्यमंत्री रह गए थे, इनसे रिपोर्ट ले लो उस दिन की अगर इसमें हो। और जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी, स्टेट गवर्नमेंट इनकी, फिर ये किससे कहते हैं भाई हमने वहां कागज बेहतर किया, 43 ईयर से कुछ नहीं हुआ, पिछली सरकारों ने भी हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इस सरकार ने तो इसके लिए प्राइवेटाइजेशन की कोशिश करती, कभी कहते हैं ये फूड पैकेट बांटेंगे, कभी कहते हैं ये हम 150-200 रुपये पुरानी है, मांगे भी पुरानी है, लेकिन तरीका जो है उनको सुनने का और ज्यादा हैरान करता है। रंजिता जी, देखिए ज्योति जी, जो आंगनबाड़ी कॉन्सेप्ट था 1975 के अंदर शुरू हुआ था, बनारसीदास गुप्ता जी उस समय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो तब जो शुरुआत हुई थी इनकी सैलरी थी वो मात्र 110 रुपये से हुई थी, और 2010 के अंदर इनका जो मानदेय था वो 5,000 रुपये कर दिया गया था सरकारों के दरवाला, और उसके बाद 2014 में जब हमारी सरकार जानी थी उससे पहले हमने इनका मानदेय बढ़ाकर 7,500 रुपये किया। इस अब जो मेन आंगनवाड़ियों की दिक्कत क्या है, भाजपा सरकार ने इनसे वादे तो किए और जब पैसे बढ़ाने की बात की उन्होंने कहा कि हमने भी इनका मानदेय पीछे बढ़ाया है
तो मात्र 640 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं। नहीं, अगर सुनी भी जाएंगे तो किस तरीके से आप बताइए, ये भद्दा मजाक नहीं है तो क्या है? 640 रुपए आप जो है मेन उनके बढ़ाते हैं और वर्कर के आप सिर्फ 70 रुपए बढ़ाते हैं। बता दीजिए 70 रुपए की इंक्रीज क्या होती है? आज विधायकों की मंत्रियों की जब बात होती है तो आप उनकी TADA कहां से कहां तक लेके जा चुके हैं। आप जो वो एक इच्छक जो राशि है वो बांट सकते हैं, वो आपने 6 लाख से 25 लाख कर दिए, तो आप इनके साथ भद्दा मजाक कैसे कर सकते हैं? आज अगर इनकी संख्या गिनते हैं तो 1.25 लाख के करीब जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और 1.25 लाख के करीब ही आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं। इतनी बड़ी तादाद में आज बेटियों को आप बचाने की बात करते हैं, क्या ये महिलाएं हरियाणा की बेटियां नहीं है? तो आज मुख्यमंत्री जी 7-8 दिन से ये ऑलरेडी धरने पर बैठे, 19 फरवरी से इनका धरना चल रहा है, उससे भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, तो कोई भी इनकी सुध लेने अभी तक नहीं गया है। हर बार इनको डेट पे डेट दी जाती है कि आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, और कभी इन पर लाठियां बरसाई जाती है, कभी इन पर पानी की बुछारे की जाती है, कभी इनको धकेड़ा जाता है, कभी इनसे गाली गलौज की जाती है। ये सब किस लिए हो रहा है? आज केवल आंगनवाड़ी वर्कर्स नहीं, बाकी आशा जी, क्या ये सत्ता का नशा है कि महिला टीचर की भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, मुंडन करवा लिया गया, सरकार ने नहीं सुनी नहीं देखा, आज जो तस्वीरें आई वो भी यही सवाल पूछती है, क्या सत्ता का नशा ही? सत्ता का नशा ही है जो कि सेंटर में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, ऊपर से दावे ठोकते हैं कि 2024 तक ना हरियाणा में हमें कोई ला सकता है, ना केंद्र में हमें कोई ला सकता है। एडवांस में इन्होंने जैसे अपने बैलेट पेपर अपने घर में छपवा रखे हैं कि हमारे अलावा कोई और नहीं करेगा, जनता फैसला करेगी, उसका इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो ये मामला है आंगनवाड़ी वाला, जैसे मैंने बताया, आप इस बात को देखिए कि मिनिमम वेजेस जो है स्किल्ड लेबर की हरियाणा के अंदर, हम सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे राज्य के अंदर है जहाँ पर मिनिमम वेजेस हमारे भारत के अन्य राज्य, जहाँ तक कि जो इनका कथित मॉडल राज्य है गुजरात, इनके मॉडल राज्य गुजरात से भी ज्यादा जो है न्यूनतम वेतन जो है आपके पास में मिनिमम वेजेस जो है वर्कर्स की हरियाणा के अंदर है। तो स्किल्ड लेबर का यदि आप केवल स्किल्ड लेबर जो होता है उसका भी यदि आप इनको स्टेटस दे देंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स को, मेरे हिसाब से इनका मान दे तो आज के दिन में लगभग जो है 5,000-6,000 रुपए तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो क्या मिनिमम वेजेस जो है जो जिसको हम न्यूनतम वेतन मान कहते हैं भारत के संविधान के अनुसार हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो यदि इन बहनों का ये अधिकार है कि संविधान के अनुसार मुझे एक न्यूनतम वेतन दिया जाए जो कि इनकी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्यों नहीं स्किल्ड लेबर के बराबर तो एकदम से इनको कर देना चाहिए। तो मंत्री जी के भाई का जो सलीका है बात करने का उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और हरियाणा में कर्मचारियों के जो हालात हैं उनको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि सड़कों पर आ गए हैं, हड़ताल की जाती है, धरने दिए जाते हैं, फिर भी अगर सरकार ना सुने तो क्या किया जाए और इस तरह का सलीका कहां जस्टिफाई किया जा सकता है। कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ, हालांकि मंत्री जी से जुड़ने की हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं, फोन उनको किया जा रहा है लेकिन फोन उठाने की अभी उनकी मंशा नजर नहीं आती। हालांकि हमने पहले भी जानकारी दी थी कि इस विषय पर आपसे जवाब लेने की कोशिश हम करेंगे लेकिन जवाब अभी नहीं मिल पा रहा। ये रिंग भी आप सुन सकते हैं, कर्णदेव कंबोज को हम फोन पर लेने की कोशिशें कर रहे हैं, फोन पर जोड़ने की कोशिशें हम कर रहे हैं लेकिन अभी हमारा फोन नहीं उठाया जा रहा, एक बार फिर से कोशिशें करेंगे। श्रीपाल जी आप बताइए हरियाणा के कर्मचारियों के हालात क्या हैं, खासतौर पर वेतन को लेकर। देखो वेतन की जहां तक बात है, एक तो ये जो जितनी भी परियोजना है इन परियोजनाओं में अगर एक बार पैसे बढ़ गए तो रेगुलर कर्मचारी की तरह एक साल में 2 बार DA की किस्त मिलती है और एक इंक्रीमेंट मिलती है, इनको 4 साल से कुछ नहीं मिलता। जहां तक परियोजनाओं में मिड डे मील की बात है, 80 रुपये रोज पे वो काम करती हैं, साल में 10 महीने वेतन मिलता और 5-7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और मंत्रिमंडल का फैसला कि इनको सरपंचों को दे दो, मतलब ये सरपंच रोज इसे लगाएंगे बंद करेंगे और इसका सत्यानाश करने की BJP की योजना है। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी का अर्थ ये है कि आंगन में बच्चे खेलें। 40 इन्होंने टेंडर दिए हैं और उन 40 टेंडर को गांव से 2-2 किलोमीटर दूर आंगनवाड़ी के केंद्र बनाए जा रहे हैं, बच्चे वहां पहुंचेंगे नहीं, आंगनवाड़ी बंद हो जाएगी। इनको आधार से जोड़ दो, आधार से जोड़ने के बाद इनके परिवार के लोगों को 100-150 रुपए इनके भिजवा दो और आंगनवाड़ी की हेल्पर का वर्क बंद हो जाए। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की योजना, हम खुल के सड़कों पर आएंगे, उसका विरोध करेंगे और कर्मचारियों के लिए गुजारे लायक सरकार सुनेगी 2019 क्योंकि बहुत करीब है। नहीं, हम तो विरोध करेंगे, इन नीतियों का विरोध करेंगे। सरकार कोई भी अगर पीछे भी नेशनल लोकदल से भी हमने अपनी लड़ाई लड़के कुछ मांगे हासिल करी हैं, कांग्रेस के टाइम में भी मांगे हासिल करी हैं और अब तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 7वें वेतन आयोग का रेगुलर कर्मचारियों का सारे जितने भी भत्ते थे वो मिल गए लेकिन हरियाणा में 1 रुपये भी किसी भत्ते में नहीं दिया। और मेडिकल कैशलेस किया है उनको, किया जो मर जाएंगे, यानी किसी को कैंसर हो गया तो उसका कैशलेस, कोई एक्सीडेंट में किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया तो, मतलब मांगने चलते हैं हम 1 रुपया और दिखाते हैं BJP वाले 2 पैसे।
ये पोजीशन। आप देखिए ज्योति जी, कितनी हैरानी की बात है कि जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, अगर इनके केंद्रों की संख्या देखें तो 25,699 टोटल सेंटर्स हैं हरियाणा के अंदर, और आप ये देखिए कि पिछले 9-10 दिनों से उन सेंटर्स पे ताला जड़ा हुआ है, और उसके बाद आप देखिए सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है अगर आज प्रोटेस्ट में बैठी है तो कितने बच्चे जो है वो सफर कर रहे होंगे और वहां नहीं पहुंच पा रहे होंगे। और इनकी एक बहुत बड़ी तकलीफ एक और भी है कि जो इनको खाना राशन दिया जाता है वहां पर बनाने के लिए, वो इतना गंदा राशन की क्वालिटी है। आप यहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर बैठी है उनसे पूछ लीजिए कि किस तरीके का राशन की डिग्रेड क्वालिटी है जो इनको दी जाती है। और बिल्कुल आप इनसे पूछ लीजिए कंपेरिजन क्या था, पहले क्या था और अब क्या है। आप ये देखिए कि 50% महिलाएं जो आंगनवाड़ी की है वो विडो हो चुकी है, और जिस घर का खर्चा जो 2500 रुपए मानदेय 3000 रुपए मानदेय इनको मिलता है उससे चलता है, तो आज उनके घर का किराया कैसे चलेगा। एक साल से इन्होंने वेतन ही नहीं दिया, एक साल से आंगनवाड़ी वर्कर के घर पे एक रुपया भी नहीं आया, तो भाजपा सरकार सुनीता दुग्गल जी इस बात का जवाब देंगे कि क्या कारण है कि उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, एक साल से उनका वेतन क्यों रोका हुआ है। रविंद्र ढोल जी, सरकार की प्राथमिकताएं क्या नजर आती हैं फिलहाल? सरकार की प्राथमिकताएं इस मुद्दे से भागना और इसको कहीं ना कहीं जो है कमजोर करके उलट सुलट की इधर उधर उलझा करके उसको समाप्त कर देना। कहेंगे कुछ और कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, देते कुछ है नहीं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण है जो ज्योति हमको देखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं हमारी सरकार रही, हमारे बाद में कांग्रेस की सरकार रही, हमारे से पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, आज भाजपा की सरकार। सरकारों की जिम्मेदारी है हमेशा समाज को और राज्य को बेहतरी की तरफ लेके जाना। कुछ कार्य हमने कर दिए, कुछ आने वाली सरकार ने कांग्रेस ने कर दिए। भारतीय जनता पार्टी केवल यह कह करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जो हकीकत इस वर्तमान सरकार की है, वो हमेशा हर एक कार्य के लिए जो है पिछली सरकारों को दोष देना। यदि पिछली सरकारें इतनी अच्छी होती तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम हरियाणा के लोग नहीं चुनते। लोगों ने इनको ये मैंडेट इसलिए दिया है कि जो पिछली सरकारों ने कमी छोड़ी थी उसको आप पूरा कीजिए। सरकार कोई भी अपना कार्य पूरा नहीं कर सकती, सब में कमी रहती है। किसी को बजट की कमी है, किसी को कम्युनिकेशन की कमी है, किसी को किसी चीज की। लेकिन क्या वर्तमान सरकार जो है पिछली सरकारों के ऊपर थोप करके अपने 5 साल निकाल देगी? बिल्कुल, क्या पूरा कार्यकाल ही पिछली सरकारों के गड्ढे पाटने चला जाएगा, जो कि बीजेपी कहती है। सुनीता दुग्गल जी, ना तो बातें सुनी जाती हैं जो कि कर्मचारियों के आरोप हैं, फिर कर्मचारी पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। ज्योति जी देखिए, ऐसा है, मैं डुल साहब की इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सही है कि जो सरकार रहती है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो जनता की भलाई के लिए काम कर सके, और उससे जो अगली जो सरकार आती है वो जनता इसीलिए चुनती है कि वो उम्मीद करती है कि वो जो है अपने वादों पर जो है वो खरा उतरेगी। तो मुझे ये लगता है कि सरकार ने जो हमारी 20 फरवरी को कविता जैन जी के साथ जो है आप लोगों की बैठक जो हुई होगी उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से जितनी भी मांगे थी एक वेतन को छोड़ कर, क्योंकि उसमें केंद्र का और जो स्टेट का है उसमें उन दोनों का स्टेक लगा हुआ था, तो इसलिए उसको छोड़कर, और उन्होंने चाहे वो आंगनवाड़ी की मुरम्मत का एस्टीमेट तैयार करने की बात हो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, राशन के लिए कंटेनर का प्रोविजन हो उसके लिए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, भवनों को जो है वो किराए को वर्कर और हेल्पर्स के खातों में डाला जाए इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन इस बात के साथ साथ एक कंडीशन सिर्फ ये रखी कि बच्चों को साफ सुथरा पानी पीने को मिलना चाहिए और उनके लिए शौचालय होना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है अगर सरकार ये उम्मीद करती है ड्रेस कोड के लिए जो है उसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी, और इसके अलावा 8,140 रुपए जो है वो मिनी वर्कर के, 4,250 रुपए हेल्पर के, और 3,820 रुपए जो है ये सेवंथ पे कमीशन के बाद जो है ये जो है इनका मानदेय जो है नहीं, उसका तो इन्हें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बजट का बहाना बना लेंगे। हम इसमें ये कहना चाहते हैं इसमें बहुत खामियां, उन्होंने जो कविता जैन जी ने जो बात करी है वो केवल कागजी बात है। 4 साल हो गए, 4 साल में जो बढ़ोतरी करी है अब तक जो बढ़ोतरी होती नहीं है पिछली सरकारों में। अगर 1,000 रुपये हेल्पर वर्कर के बढ़ेंगे तो 500 रुपये हेल्पर के बढ़ते थे, 640 बढ़ा के 1,072 की घोषणा की, 640 बढ़ाए, सारी आंगनवाड़ी वर्कर हॉल में से निकल गई पार्टी पत्र से, और 70 रुपए केवल हेल्पर के बढ़ाए, बाकी मांगे सारी कागजों में है फिट। उनका 1,500 और 700 रुपए है,
लेकिन दिया नहीं जाता। अब सेकेंडरी बात इसकी आती है कि इन्होंने प्रमोशन का कह रखा भाई 50% कोटा है प्रमोशन का। हरियाणा सरकार में ये सिस्टम है कि हरियाणा लेवल की सीनियरिटी बन जाती है और उनकी जिनकी पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है उनको प्रमोशन उसमें हो जाना चाहिए सुपरवाइजर में, लेकिन आज तक नहीं किया ना सरकार इसमें कुछ करेगी। सेकेंडरी जो हेल्पर है जो पढ़ी लिखी है वो वर्कर बन जानी चाहिए। 4 साल हो गए, 4 साल तक कविता जैन जी कहाँ थी? उनके दरवाजे पर लगातार धरने हो रहे हैं और जितने प्रोटेस्ट उनके दरवाजे पे हुए हैं किसी के बने हुए एक भी बता दो कि ये नोटिफिकेशन हो गया। बहन जी से हम ये पूछना चाहते हैं किस डिमांड का नोटिफिकेशन, दिखा दो हमें, एक भी नोटिफिकेशन नहीं है, सारा झूठ बोला जा रहा है। मंत्री जी से जुड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, साथ ही खबरें अभी तक सुनने, जब बातचीत की कोशिशें की तो मंत्री जी के पीए की ओर से कहा गया कि वो दूसरे कमरे में है, बातचीत नहीं हो पाएगी। तो मुद्दा कितना गंभीर है, उनके भाई पर ही आरोप लगे हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं, ना फोन उठाना जरूरी समझा जाता है ना जवाब देना जरूरी समझा जाता है। गुरमीत सिंह जी बोले, नहीं देखिए फोन तो कब तक नहीं उठाएगा कोई व्यक्ति, जैसे मैंने आपको कहा कि वो अवॉइड करना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है जितना, और जिस तरह से आपने इस मामले को भी प्रमुखता से उठाया है तो निश्चित ही वो उनसे सवाल जवाब तो होगा और उन्हें किसी ना किसी तरह इसमें सफाई देनी पड़ेगी और उन्हें देनी भी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो एम्प्लॉयज़ की, जैसे इन्होंने बताया आपको कि जो डिमांड्स हैं, देखिए एक तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि ये पिछले कुछ सालों से सरकारों का सभी का चलन है कि वो आउटसोर्सिंग के नाम पे, कहीं प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, कहीं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के नाम पे, एक जो वो हमारा एक जो ढांचा था उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का काम तो चल ही रहा है। आज आंगनवाड़ी है, कल किसी और का नंबर होगा। तो ये जो एक पॉलिसी शिफ्ट है वो अब ये नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट में, उससे पहले भी था, उसकी वजह से ये समस्याएं आती। कई बार आप देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में जुड़े हुए जैसे आंगनवाड़ी के जो कर्मचारी हैं उनको भी वो अलग दर्जा दे देते हैं और फिर उसके बाद, लेकिन सवाल ये कि सरकारें क्या अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से या जो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है वेलफेयर स्कीम्स के प्रति, क्या उनसे इस तरह से इतनी आसानी से पल्ला छुड़ा सकती हैं और क्या उन्हें छुड़ाना चाहिए? अब मूल मुद्दा वो है, अगर वो इस तरह से वेलफेयर, क्योंकि ऐसा बार बार सुनने में आता है कि लगातार जो कट हैं, जब भी सरकारें सेविंग की बात करती हैं तो वो अपने खर्चों को कम करने की बात नहीं करती, बिल्कुल वो अपने एमएलए और अपने विधायकों की और उस तनख्वाहें कम करने की बात नहीं करती, वो वेलफेयर स्कीम्स में कट लगाती हैं, जो कि शायद एक वेलफेयर स्टेट के लिए या भारत जैसे राज्य के लिए शायद अच्छे संकेत नहीं है और इस वजह से ये असंतोष। सुनीता जी, साथ ही ये भी अच्छे संकेत नहीं है कि बहुत सारे महकमों के लोग जो है सड़कों पर आ गए हैं सरकार के खिलाफ। नहीं ज्योति जी, देखिए एक एक करके जो है सरकार हमेशा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात के लिए सबको कहते हैं कि मेरे द्वार जो है वो सबके लिए खुले हैं बातचीत के लिए, और अभी तक जितनी भी जो भी किसी तरह की कोई समस्या आई है तो उसका बातचीत के जरिए ही समाधान निकला है। आप चाहे किसी भी बात को लेकर देख लें, और मुझे पूरी उम्मीद है देखिए कि इसमें भी जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो डिमांड है उसको भी जो है बड़ी सावधानी पूर्वक और बड़ी संवेदना पूर्वक जो है इसको सुना जाएगा और उसमें जितना मैक्सिमम जो कुछ हो सकेगा सरकार की तरफ से सरकार इनके साथ पूरा न्याय करे। वर्कलोड कितना ज्यादा है आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर, जितने भी हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सारी इम्यूनाइजेशन है, टीकाकरण है, पोलियो की दवाइयां देनी है, आपने टॉयलेट्स के सर्वे करवाने हैं, आपने राशन कार्ड के सर्वे करवाने हैं, उसके अलावा आपने पेंशन सर्विस करवाने हैं, आपने जनगणना के सर्वे करवाने हैं, आपने छोटे बच्चों को खाना बनाने का देने का काम करना है, तो सारे वर्क जो काम इतने मल्टीपल काम्स हैं वो इन्हीं वर्कर्स से दिए जाते हैं, और जब इनको पैसे देने की बात आती है तो आप कहते हैं बजट नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारी सरकार की नहीं हो सकती। देखिए ज्योति जी, इनको बिल्कुल जितना भी इनका जो भी ड्यूज है वो इनको बकायदा दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। और मैं ये कह रही हूँ बार बार कि कविता जैन जी और मुख्यमंत्री जी दोनों इस बात को लेकर बहुत संजीदा हैं और जल्द ही जो है इस बात का समाधान निकलेगा और इनके साथ पूरा न्याय। कमला जी, उम्मीद है आप लोगों को? जी, हम बार बार सरकार से कहते हैं हमारे को झूठे वादे करके हमारे को बकाया जाता, मान जो हमारी सिर्फ दो मांगे हैं, अरे एक तो हमारे को तुरंत 18,000 रुपए लागू करे और हमारे को तीसरी और चौथी श्रेणी का कर्मचारी का दर्जा दे। इन दो मांगों को छोड़कर सरकार ये छोटी छोटी मांगों को भाई 50 रुपये आंगनवाड़ी भवन के सुधार के लिए दे दिए, आपको पानी का दे, ये हमें नहीं चाहिए, वर्दी का रंग बदल दिया, हमारी मांग सिर्फ ये वर्दी का रंग बदलने से कौन सा नहीं, इन बातों में बताती है हमारे को सरकार, लंबी कर रही है, कागजों में बताना है कि आपकी इतनी मांगे पूरी हो गई, नंबर बढ़ाना है, मांग इन्होंने रखी होगी। देखिए सपना तो आ नहीं रहा सरकार को कि भाई अगर आपकी कोई ड्रेस कोड की कोई मांग है, अगर मांग होगी और सरकार ने उसको माना होगा तभी उस बात के लिए कहा होगा। क्या आपकी सरकार की सुविधा के हिसाब से मांगे मान ली जाती हैं फिर? नहीं, सरकार की सुविधा के हिसाब से नहीं, आप कर देंगे बहुत इजीली कर देंगे, उतना आप लोगों ने किया। देखिए ज्योति जी, मैं यही कह रही हूँ कि एक 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 सबसे बड़ी बात जो है वो ये है
कि जब ये चाहे आउटसोर्स की भर्ती है चाहे इवन आंगनवाड़ी की भी भर्ती थी, वो कहीं पर भी जो है इसमें मुझे लगता है कि उस समय प्रोविजन ये रखा जाता है कि आपको जो है वो इस तरह से ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही इस तरह से ही रखा जाएगा, कहीं आप ये बताइए कि कहीं उस समय में ये कहीं लिखा था कि आपको इसके लिए नियमित किया जाएगा या तो इसमें उसके बाद फिर भी अगर इनकी ये डिमांड आती है तो उसको बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उस बात का डिसीजन लेना होता है, क्योंकि आप देखिए आउटसोर्स पे है आज, और ये आउटसोर्स किसने शुरू किया था? कांग्रेस के समय में ये शुरू हुआ था, और आउटसोर्स में तो आप फिर आउटसोर्स क्या रह जाएगा? फिर तो आप ठीक है कि आउटसोर्स पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखिए और वो लोग ये कहेंगे कि जी हमें पक्का करिए, अगर आप पक्का नहीं करेंगे तो हम धरना देंगे, तो ये तो एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है ना जी इसमें, तो नॉन स्टॉप प्रोसेस है। चुनाव से पहले तो वादे करती रही कि कच्चों को पक्का किया जाएगा, रविंद्र ढोल जी वायदे तो ये भी किया था पंजाब के समान वेतन मान देंगे, वो वायदा कहाँ है सबको पता है, वायदों का क्या, वायदे तो ये करते रहते हैं, वायदे इनके कभी पूरे नहीं होते, ये केवल कहने की, और मैं बता रहा हूं ना कथनी और करनी में जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसी के अंदर ये पूरी की पूरी सरकार अपना पूरा टेन्योर निकल करके चली जाएगी, और ये छोटी छोटी बातें दिखा करके कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, जो इनकी प्रमुख मांग है वेतनमान की, जब तक आप उसे ही वो ये हमारे प्रवक्ता महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसको छोड़ करके बाकी मांगे मान ली, पहला कार्य तो आपकी उनको आजीविका को सुनिश्चित करना है। मैं कह रहा हूं कि न्यूनतम वेतनमान जो हरियाणा के अंदर लागू है उससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इनका वेतन, तो ये गैर कानूनी कर रहे हैं क्या सरकार की शेयर में नहीं चल रहा है? न्यूनतम वेतन मान आपने बिल्कुल आपके स्किल लेबर तक के लिए, आप कारपेंटर तक के लिए भी आप उसको बढ़ा देंगे, तो क्या इन बहनों को इसका अधिकार नहीं है? और ये बहनें काम क्या कर रही हैं? गांव के बच्चों का, महिलाओं का, छोटी बच्चियों की सुरक्षा करने का कार्य कर रही, कहां गया इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो बच्चियों को सुरक्षा नहीं, हेल्पर वहां पर नहीं होंगे, हेल्पर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, एक अच्छा वातावरण इनको नहीं मिलेगा तब तक, तो ये उन बच्चियों की सुरक्षा कहां से करेंगे? तो ये वायदे तो देखो वायदे में कुछ नहीं है ज्योति इनके इनके पास में। शिवपाल जी, काफी समय से आप लोग सड़कों पर हैं, मांगे भी की जा रही हैं, नए नए तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी? देखो जहां तक सरकार की सुनने की बात है, तीन महीने चार महीने पहले एनएचएम के कर्मचारियों ने स्ट्राइक करी, उनसे सरकार ने समझौता किया और उस समझौते को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और वो खटाई में है आज की तारीख में। सेकेंडरी आशा वर्कर ने आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद विज साहब ने बैठ के और सारी बातों पे उनसे डिसाइड किए, मांग लिया, मानने के बाद दोबारा बुलाया तो उन्होंने कहा भाई ये जो तुम्हारे 4000 फिक्स किए हैं वेतनमान, इसके 3 कर लो 2 कर लो, सेंटर से पैसा नहीं मिलता। 22 तारीख को उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया, हमें सरकार की नियत में खोट दिखाई देता और वो खोट इसलिए दिखाई देता कि 4 महीने में एनएचएम का कोई एक पैसा भी कोई डिसाइड नहीं करा किसको क्या मिलेगा, और आज आशा वर्कर का भी आज ये अगर बात भी कर लेंगे तो उसके बाद भी गड़बड़ होगी इसमें, सरकार की नियत में खोट नजर आता नहीं, सरकार की नियत में देखिए कोई खोट नहीं है। एनएचएम को क्या दिया अगर बजट में, अगर देखिए अगर केंद्र से जो है अगर उसमें पैसा आने में डिले हो रहा है तो इसलिए अगर तो सिर्फ इसीलिए इसी वजह से डिले है, जैसे ही पैसा वहां से आता है तो उसके बाद उनको तुरंत डिस्पर्स किया जाएगा, किसी की एक भी पाई नहीं रखी जाएगी सरकार की तरफ से। जो आप लोग कार्यक्रम आयोजित सरकार जो कार्यक्रम आयोजित कर रही है उनके लिए केंद्र से पैसा आ जाता है या सरकार का खजाना भी भरा है, ये विपक्ष कहता है कि कर्मचारी भी कहती है हो सकती है। आप क्या सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर सवाल पूछे जाए? फिर देखिए आप जो रैली की बात कर रहे हैं वो संगठन की रैली थी, उसमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं था, आप अब तक 200 करोड़ रुपया जो बाहर से बटा लिए, कभी जाट रक्षण पर, कभी आप राम रहीम के लिए, कभी आप अपने अमित शाह जी के लिए बुला रहे हैं, 200 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो चुका है। ये आरटीआई के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, ये 200 करोड़ किसका था? ये हरियाणा के टैक्स पेयर का पैसा था जो कि आप आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी दे सकते थे, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं, आप स्वर्ण जयंतियां मना सकते हैं, 38,000 की आप गीताएं बांट सकते हैं, पर आंगनवाड़ी वर्कर्स जब पैसा मांगते हैं 70 रुपये बढ़ाकर आप उनके मुंह पर तमाचा मारते हैं। ये चीजें बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी स्मिता जी, जितनी भी योजनाएं रंजीता जी आपके इस तरह बोलने से आपकी जो आपकी कारगुजारी है ना उनके ऊपर कोई पर्दा नहीं डल जाएगा। उस पर आपने मिट्टी डाल रखी है, ये सब कार्रवाइयां आपके समय में शुरू हुई है, चाहे उनको मकान देने की योजना थी, 40 साल से बता रहे हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है आंगनवाड़ी की, आज अगर कम से कम उनकी सुनवाई तो हो रही है राज्य सरकार में, आपकी सरकार में तो कभी सुनवाई भी नहीं हो रही थी, आपने आज उस पर पानी डाल रखा।
रखा है, गरीबों को लेकर आपकी सरकार कितनी चिंतित है ये दिखाई देता है। आपने एक भी 100 गज का प्लाट जो था गरीबों को नहीं दिया, 90,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने आज तक नहीं दिया। जितनी भी गरीबों को लेकर योजना है, आज बैंकों से लोन मिलता था, आज लोन नहीं मिल रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं ये तो बता दीजिए। इनके इनके कहने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको जनता बताएगी हमारे कहने से नहीं, जनता कहने से कुछ होगा। ये कह के अपनी कारगुजारियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। ये फिर तमाम महंगों के लोग सड़कों पर क्यों है, सड़कों पर क्यों है, सड़कों पर के समय की देर है। आप सड़कों पर कर्मचारी हैं, आप लोग 3 साल पूरे कर चुके हैं, 3 साल पूरे कर चुके हैं। रविंद्र ढुल जी ने भी कहा कि पिछली सरकारें जो करके गई वो काम तो कम से कम अब मत कहिए कि पिछली सरकारों की कारगुजारियां हैं। देखिए ज्योति जी, क्या पूरा कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा? 2019 आ गया है मैडम, करीब करीब आने को है, 2018 आ चुका है, चुनावी साल ही से मानिए। देखिए चाहे गैस टीचर्स का मामला है, वो सरकार ने उसका समाधान निकाला, और अब इसके लिए भी हम आपको ये कह रहे हैं कि ये 43 साल से अपने काम के लिए अपनी जो है इस प्रॉब्लम को लेकर ये परेशान है। कांग्रेस ने क्या किया उस समय, लेकिन हम फिर भी समाधान निकालेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। आप 70 रुपए बढ़ाकर कह रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, 5,000 नहीं, हम तो पहले से कहते ही नहीं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कांग्रेस ने, हम नहीं कहते पैनल पर। सरकार गई है, आप लोगों को बहुमत जो मिला है, प्रचंड बहुमत जो मिला है पहली बार, तो सरकार बदलने के लिए ही मिला है कि व्यवस्था में किसी तरह का परिवर्तन हो। नहीं तो व्यवस्था में परिवर्तन है ज्योति जी, बिल्कुल व्यवस्था में परिवर्तन है। आज इतनी पारदर्शिता, आज इतनी ईमानदारी, इस पूरी चर्चा से पहले कभी भी नहीं हुआ। दिक्कत ये है कि चुनाव के वर्ष जो होता है उसमें तो लोग सब वादे करते हैं और बाद में जो घोषणा पत्र होते हैं उनको भी भुला दिया जाता है, और ये सभी राजनीतिक पार्टियों का दस्तूर है। और जैसे मैंने कहा कि जो एक हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारियों की जो व्यवस्था थी उसको पिछले कई सालों से बहुत बड़े पैमाने पर आघात लगाया जा रहा है, कभी आउटसोर्सिंग के नाम पे, कभी एफिशिएंसी के नाम पे, कभी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के नाम पे, तो वो एक पूरा ढांचा हिला हुआ है। अब इसका क्या समा, क्योंकि ये तो उसके रिप्रकॉशंस हैं जो एक पॉलिसी डिसीजन, क्योंकि सरकारों को लगता है कि जो सरकारी कर्मचारी में बहुत बड़ा बोझ है। आपको मालूम है पहले पेंशन स्कीम खत्म कर दी गई, उसके बाद और चीजें, तो धीरे धीरे जो एक पूरा ढांचा था वो हिल रहा है, और जिसमें एक इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, तो वो आगे कहां तक ले जाएगी? क्या धरने प्रदर्शन या फिर सड़कों पर आने से दबाव बनेगा सरकार पर किसी तरह का? आखिर जवाब क्या करें व्यक्ति, आप ये इम्प्लॉइज ये कर्मचारी करेंगे क्या यदि वो सड़क पे नहीं जाएंगे? सरकार की अगर इनकी बातों को मांग रहे, हम विधानसभा के अंदर यदि आप एक काल टेंशन मोशन लगा ले, अर्जेंट मोशन लगा ले, हम कुछ भी लगा ले, विपक्ष ये क्या है सरकार, उसकी सुनवाई वहां पर हमारी विपक्ष करने का प्रयास करेगी? नहीं करेगी। गैस टीचर की बात करेंगे, एक मामला कोर्ट में पेंडिंग है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ऐसे ही हर एक चीज का बहाना लगा करके ये जो है निकल जाते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधि जो है इनकी बात को ना रख पाए। तो वहां पर यदि कर्मचारी वहां पर जाकर के लोगों के पास में जाकर के इनके नेताओं के पास में जाकर के बाहर बैठ करके धरने प्रदर्शन ना करें तो करे क्या, क्या कर सकते हैं? उनके पास में कोई और तरीका नहीं है। सुनीता दुगल जी, आखिरी जवाब दीजिए, अभी मंत्री जी ने फोन नहीं उठाया, क्या उम्मीद की जाए कि माफी मांगने की? हालांकि आपने बात कही कि जरूरत होगी तो माफी मांगी जाएगी, आखिरी जवाब मैं चर्चा का। ज्योति जी मैं वही कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने वो वीडियो देखी नहीं है, लेकिन अगर वीडियो में कहीं से ये लगता है कि उनके भाई ने कहीं कोई किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार किया है या उनकी बात से किसी की संवेदनाएं आहत हुई है, तो उनके लिए वो क्षमा प्रार्थी। बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो चर्चा यही की कि कर्मचारियों के, कच्चे कर्मचारियों के हरियाणा में हालात क्या हैं, और जो अपने गुहार लगाने जाते हैं, फरियाद लेकर जाते हैं, तो मंत्री जी के भाई ने किस तरह से पेश हुआ है, किस तरह का सलीका उनकी ओर से बरता गया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपनी बात रखना चाह रहे मंत्री के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से बात रखना चाहते हैं। 2014 हरियाणा सरकार पक्का करो, कोर्ट में जाओ फिर।